नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी नाइन झटपट। पिछले साल भारतीय बाजार से अपना कारोबार समेट चुकी अमेरिका की दिग्गज ऑटो कंपनी फोर्ड की अब एक बड़ी मुश्किल भी दूर हो गई है। फोर्ड इंडिया को गुजरात के सांड में अपने प्लांट के लिए खरीदार मिल गया है। टाटा मोटर्स फोर्ड के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खरीदने जा रही है। इस डील से फोर्ड के सांड प्लांट में काम करने वाले 1400 से ज़्यादा उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन पर पिछले एक साल से नौकरी की तलवार लटक रही थी। अब फोर्ड के ये कर्मचारी टाटा के लिए काम करेंगे। टाटा मोटर्स की सब्सिडरी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सोमवार को गुजरात सरकार के साथ इस डील से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी फोर्ड की साणद व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अब टाटा मोटर्स के हाथों जाना लगभग तय हो गया है। इस डील में लैंड और बिल्डिंग्स, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट और सभी योग्य एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र शामिल है। हालांकि इस सौदे को पूरा करने के लिए आने वाले दिनों में दोनों कंपनियों को वाद्यकारी समझौता करना होगा और सभी ज़रूरी मंजूरियाँ भी हासिल करनी होंगी। इस सौदे की खास बात यह है कि फोर्ड का इंजन प्लांट उसके पास ही रहेगा। इंजन प्लांट का इस्तेमाल फोर्ड अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए करती है और आगे भी करती रहेगी। मतलब फोर्ड अब भारत में वाहन तो नहीं बनाएगी लेकिन अपने इंजन बनाना चालू रखेगी। गुजरात सरकार इस सौदे के समर्थन में है और उसने फोर्ड को मिल रहे टैक्स बेनिफिट्स को टाटा मोटर्स को भी देने का ऐलान किया है। खबरों की माने तो दोनों कंपनियों के बीच एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट पर अगले एक डेढ़ महीने में दस्तखत हो सकते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर टाटा मोटर्स ये प्लांट क्यों और कितने में खरीद रही है। इस डील से टाटा मोटर्स को तेजी से बढ़ रही अपनी गाड़ियों की मांग को पूरा करने के लिए कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए टाटा मोटर्स 10 से 15 करोड़ डॉलर में फोर्ड का ये प्लांट खरीद रही है। टाटा मोटर्स को फोर्ड के इस प्लांट में कुछ नई मशीनरी और इक्विपमेंट्स पर इन्वेस्टमेंट करना होगा और प्लांट को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी करना होगा। टाटा मोटर्स ने इस सौदे पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि इस सौदे में उसे अपनी पैसेंजर व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। टाटा मोटर्स की फिलहाल पीक प्रोडक्शन कैपेसिटी 50,000 यूनिट प्रति माह है। इसका मतलब है कि वह हर साल 6,00,000 गाड़ियां बनाती है। कंपनी ने अपने वेंडर्स के साथ जो प्रोडक्शन प्लान साझा किया है उसके मुताबिक कंपनी इस साल उत्पादन में कटौती करेगी और करीब 5,50,000 गाड़ियां ही बनाएगी। दूसरी तरफ फोर्ड के साणद प्लांट की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 3,00,000 यूनिट सालाना की है। इसके इंजन प्लांट की इंस्टॉल्ड एनुअल कैपेसिटी 2,70,000 यूनिट्स है। अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड ने साणद प्लांट पर करीब $1 अरब का निवेश किया था। इस फैक्ट्री में करीब 1400 वर्कर्स हैं जिन्हें इस डील के साथ टाटा मोटर्स नौकरी देगी। एक तरह से देखा जाए तो फोर्ड, टाटा मोटर्स और गुजरात सरकार तीनों के लिए यह एक विन विन डील है।